गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार, फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक स्टील। स्टूडेंट, स्टील इज द मेन रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन साइट। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपन कि स्टील क्या होता है। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन विद टाइपिकल ए फ्यू परसेंट ऑफ कार्बन टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कंपेयर टू आयरन। स्टील आयरन की एक मिश्र यह मिक्स मेटल है जिसमें आयरन की कंपेयर में अपनी स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए आमतौर पर कुछ परसेंटेज कार्बन होता है। मनी अदर एडिशनल एलिमेंट में भी प्रेजेंट और एडेड, और इसमें कई अन्य तत्व प्रेजेंट होते हैं और ऐड किए जाते हैं। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील की। तो स्टूडेंट, स्टील के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे माइल्ड स्टील और HYST स्टील की। तो स्टूडेंट बात करते हैं अपन माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील इज ए प्लेन लो कार्बन स्टील विदआउट एनी अलॉइंग एलिमेंट। माइल्ड स्टील है जो लो कार्बन स्टील होता है विदआउट एनी अलॉइंग एलिमेंट की। इट इज वेरी डक्टाइल एंड इज यूज्ड एज ए स्ट्रक्चर स्टील फॉर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन इन सिविल कंस्ट्रक्शन। यह डक्टाइल होता है और इसे सिविल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है या यूज में लिया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं HYST स्टील की। HYST इज ए स्पेशल क्वालिटी स्टील विद मच हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द माइल्ड स्टील, 30-40% स्ट्रोंगर देन माइल्ड स्टील। जो HYST स्टील है एक स्पेशल क्वालिटी वाला स्टील है जो माइल्ड स्टील की तुलना में 30-40% अधिक मजबूत होता है। HYST स्टैंड फॉर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। स्टूडेंट, जो HYST होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ HYST स्टील। जो HYST स्टील होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। HYST बार्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर हीट ट्रीटमेंट। जो HYST स्टील होता है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो हीट ट्रीटमेंट द्वारा की जाती है। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील की। स्टूडेंट, इसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? हाई होती है। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होए वो भी इसकी क्या होती है? हाई होती है। गुड डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी, जो डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी क्या होती है? इसकी अच्छी होती है। ए मैग्नेटिक मेटल ड्यू टू इट्स फेराइट कंटेंट, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल फेराइट कंटेंट के कारण होता है। और इसमें गुड मेलिएबिलिटी विद कोल्ड फॉर्मिंग पॉसिबिलिटी, इसमें गुड मेलिएबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन टेस्ट ऑफ स्टील की। जो स्टूडेंट टेस्ट ऑफ स्टील है वो टेंसाइल टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, बेंड एंड रिबेंड टेस्ट होता है और इम्पैक्ट टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन सबसे पहले टेंसाइल टेस्ट की। इन ए टेस्ट ऑफ
माइल्ड स्टील स्पेसिमेन यूजुअली ए राउंड और फ्लैट बार इज ग्रेजुअली पुल्ड इन ए टेस्टिंग मशीन अंटिल इट ब्रेक्स। जो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को टेंसाइल टेस्ट में आमतौर पर एक गोल पट्टी को धीरे धीरे टेस्टिंग मशीन में रख कर खींचा जाता है जब तक कि वह ब्रेक नहीं हो जाए। टू पॉइंट कॉल्ड गेज पॉइंट आर मार्क्ड ऑन द सेंटर पोर्शन। जो सेंटर पोर्शन के अंदर जो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, उन्हें हम गेज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज कॉल्ड गेज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। लोड एप्लीकेशन से पहले इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को गेज लेंथ भी कहा जाता है। द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड एट रेगुलर इंटरवेल ऑफ लोड एक्सटेंशन इज मेजर्ड। लोड को धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है और रेगुलर इंटरवेल में लोड मेजर किया जाता है। स्टूडेंट, जो ये है, यह टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। इसमें अपन देख सकते हैं जो स्पेसिमेन है स्टील का, उसे अपन बीच में रख दिया जाता है और बीच में रखने के बाद में इस पर लोड क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और जब इन जबड़ों से इसे लोड लगाकर खींचा जाता है तो ये बीच में से क्या हो जाता है, टेंसाइल पोजीशन में आ जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन कंप्रेशन टेस्ट की। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कंप्रेशन टेस्ट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन पैड्स एंड स्पेसिमेन। प्लेस द स्पेसिमेन इन पोजीशन बिटवीन द कंप्रेशन लोड। जो स्पेसिमेन होता है उसे कंप्रेशन लोड, स्पेसिमेन को कंप्रेशन लोड पैड पोजीशन में रख दिया जाता है। ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड टिल द स्पेसिमेन फेल्स। जो लोड होता है उसे इंक्रीज किया जाता है और स्पेसिमेन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाता है। ड्रॉइंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वी कैन डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन एंड अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेंथ। और इसके द्वारा एक जो डायग्राम है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। इसके अंदर हम यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन एंड अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसे हम देख सकते हैं, यह कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। इसके अंदर स्पेसिमेन को रखा जाता है और इस पर लोड लगाया जाता है और जो ये अपनी, इनको अपन देख सकते हैं, जो वॉच लगी हुई होती है इसमें देख सकते हैं अपन कि इस पर कितना लोड अप्लाई हो रहा है और यह कहाँ पर स्पेसिमेन फेल होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट बेंडिंग टेस्ट की। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायर होती है, UTM और बीम एपरेटस, बेंडिंग फिक्स्चर, बर्नियर कैलिपर्स, मीटर रोड, टेस्ट पीस और डायल गेज। इन सब चीज़ों की इसके अंदर आवश्यकता होती है। बेंडिंग टेस्ट इज परफॉर्म ऑन बीम बाय यूजिंग द थ्री पॉइंट लोडिंग सिस्टम। स्टूडेंट, इसके अंदर थ्री पॉइंट लोडिंग सिस्टम होता है। द बेंडिंग फिक्स्चर इज सपोर्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑफ द UTM। स्टूडेंट देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो स्पेसिमेन होता है इसे हम, इसमें जो ये स्पेसिमेन है इसे अपन मशीन के अंदर रख देते हैं और इस पर लोड लगाया जाता है। द लोडिंग इज हेल्ड इन द मिडिल क्रॉस हेड। जो मिडिल में जो क्रॉस है उसमें इसे रख दिया जाता है। एट ए पर्टिकुलर लोड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग ए डायल गेज। जो इसमें लोड लगाया है उससे जो डिफ्लेक्शन आएगा सेंटर पर
उसे डायल गेज द्वारा डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का वो होता है डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 48 ई आई। यहाँ पर जो W होता है वो स्टूडेंट होता है लोड एक्टिंग एट द सेंटर, जो सेंटर पर लोड लगाया गया है वो है न्यूटन में। L होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन द सपोर्ट्स, जो लेंथ होती है बीम की वो L से डिनोट होती है। E यहाँ पे होता है स्टूडेंट यंग्स मॉडुलस, इसे अपन न्यूटन पर mm के अंदर mm स्क्वायर के अंदर लेते हैं। और यहाँ पे जो आई होता है स्टूडेंट वो होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट होता है एरिया होता है मोमेंट ऑफ एरिया वो यहाँ पर आई से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट अपन इसमें देख सकते हैं जो स्पेसिमेन है उसे दो वॉल्स के बीच में रखा जाता है और ऊपर से लोड अप्लाई किया जाता है। जब यह स्पेसिमेन डिफॉर्म हो जाता है झुक जाता है तो इसे अपन डायल गेज द्वारा इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट की, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड चाहिए। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन चाहिए। स्पेसिमेन साइज ऑफ द स्पेसिमेन इज 10x10x75 mm, जो स्पेसिमेन होता है उसकी साइज होती है 10x10x75 mm। प्रोसीजर, मेजर द डायमेंशन ऑफ स्पेसिमेन एंड नॉच, जो नॉच और स्पेसिमेन हैं उसकी डायमेंशन मेजर कर लेते हैं। राइजिंग द हैमर एंड नोट द इंटरनल रीडिंग, अपन जो हैमर है उसे उठाते हैं और इसकी रीडिंग फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर जो ये हैमर है इसे अपन उठाते हैं और जो स्पेसिमेन है उसे यहाँ पर रखा जाता है। स्पेसिमेन की साइज होती है अपनी 10x10x75 mm, जो ये हैमर है इसे अपन उठाकर ऊपर ले जाया जाता है और जो रीडिंग होती है वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, ये राइजिंग द हैमर एंड नॉट द इंटरनल रीडिंग, रिलीज द हैमर टू गेट द फाइनल रीडिंग। और स्टूडेंट जो ये हैमर होता है इसे अपन इस पोजीशन में ले जाके रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है उस पर ये हैमर है वो टकराता है और स्पेसिमेन टूट जाता है और फाइनल रीडिंग ले ली जाती है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड फाइनल रीडिंग विल गिव द एक्चुअल एनर्जी टू फ्रैक्चर द स्पेसिमेन, और इंटरनल और फाइनल रीडिंग द्वारा इसकी जो एक्चुअल एनर्जी है फ्रैक्चर होने की वो अपन फाइंड आउट